नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस में हमने कल जिस तरीके का ट्रेंड देखा, मार्केट ने एक छोटी सी एक गैप अप ओपनिंग दिखाई थी कल की मैं बात करूं यहां पर, और उसने अपनी जो गैप अप ओपनिंग थी उस अपसाइड को थोड़ा सा एक्सटेंड करने की कोशिश करी, पर यह फेल रहा अपना वीकली हाई ब्रेक करने पर और उसके बाद हमने धीरे धीरे एक करेक्शन सी बनती हुई देखी। और जब मार्केट यहाँ पर ट्रेड कर रहा था तब मैंने ये बताया था कि जितने भी बायर्स हैं उन्हें एग्ज़िट कर लेना चाहिए इस लेवल पर, क्योंकि करेक्शन थोड़ी सी एक्सपेक्टेड थी। तो करेक्शन इसमें हमें देखने को मिली, वो काफ़ी एक नीचे के लेवल हमें दिखा गई और 160 भी इसने ब्रेक करा और वहाँ से थोड़ा सा इसमें बाउंस ना हमें नज़र आया। फाइनली इसने 161.1 पे आकर एक क्लोजिंग अपनी सेटल कर दी। तो इस तरीके का ट्रेंड हमने नेचुरल गैस में देखा। तो अपने हायर लेवल से करीब करीब 11-12 रुपए का एक इसने एक डाउनसाइड दिखाई है, जो नेचुरल गैस के लिए एक हेल्दी वॉल्यूम जनरेट करने मतलब हो रहा है अब इसमें, और जो इसमें एक वॉलेटिलिटी थी वो धीरे धीरे वापस आ रही है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि जो भी ट्रेडर्स इसमें ट्रेड करते हैं वो थोड़ा आप कॉशियसली ट्रेड करें, स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलते रहें और बहुत ध्यान से ट्रेड करें। देखिए, स्टॉप लॉस तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ हर सेगमेंट में, चाहे वो बुलियंस हो, एनर्जी हो या मेटल्स हो, आप किसी में भी ट्रेड कर रहे हैं, स्टॉक्स हो, शेयर हो, फॉरेक्स हो, क्रिप्टो करेंसी हो, स्टॉप लॉस मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे पास देखिए, जब मार्केट गिरता है तो लोगों के मैसेज आते हैं मैंने यहाँ पर ख़रीदा हुआ है क्या करूँ, जब मार्केट बढ़ता है तो मेरे पास ये मैसेज आते हैं मैंने बेचा हुआ है क्या करूँ। मेरे पास कभी इस तरीके से मैसेज नहीं आता कि मैंने यहाँ पर बेच दिया है और अभी 165 चल रहा है, अब मैं क्या करूँ। आपको उस चीज़ का रीज़न पता है? प्रॉफिट में सब एक, मैं एक ह्यूमन नेचर बता रहा हूँ आपको, प्रॉफिट में सब अपने आप को एक्सपर्ट समझते हैं और लॉस में अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आप लॉस में ही ये देखेंगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए, आप प्रॉफिट में क्यों नहीं पूछते। दो चीज़ें होती हैं मार्केट में जिसे आपको समझना ज़रूरी है, प्रॉफिट दोनी सॉरी तीन चीज़ें चार चीज़ें होती हैं, लॉस, स्टॉप लॉस और लॉस ऑफ प्रॉफिट। ये जो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है आपको मार्केट में समझने के लिए, लॉस ऑफ प्रॉफिट। मैं एक एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, मैंने वैसे कल भी मैंने सेलिंग रिकमेंड नहीं करी थी, मैंने सिर्फ बायर्स को एग्ज़िट करने के लिए बोल दिया था कि यहाँ पर बाइंग से एग्ज़िट हो जाओ, मार्केट में जब एक फर्दर एक फ्रेश बाइंग आनी शुरू होगी तब हम देख लेंगे कि हमें क्या करना है। देखिए, लॉस ऑफ प्रॉफिट का मतलब है कि आपने आपको जो प्रॉफिट मिल सकता था वो आपने गवा दिया, और वो कहीं ना कहीं आपकी मदद करता इसे इसके साथ कंपेंसेट करने में या इसके साथ कंपेंसेट करने में। तो ये चीज़ आपने गवा दी है। कोई मुझसे कभी ये नहीं पूछता कि मुझे इतने का प्रॉफिट हो रहा है, वेदर आई शुड होल्ड और शुड आई एग्ज़िट फ्रॉम करंट लेवल। यहाँ पर अगर आप एग्ज़िट कर जाते तो आपको पूछने की ज़रूरत इसलिए नहीं लगी क्योंकि आपको प्रॉफिट हो रहा था। आपको वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कुछ लेवल ब्रेकआउट दे दिया मार्केट ने, नहीं दिया, इस चीज़ को आप अगर प्रॉफिट भी डिस्कस करना शुरू करेंगे ना तो आपके लिए वो चीज़ें ज़्यादा अच्छी होंगी। या फिर मतलब मैं शायद आपको ये बता देता कि आप स्टॉप लॉस ट्रेल करके आप यहाँ कर लीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आपने इस, मैं ये गारंटी से कहता हूँ कि जिसने यहाँ पर सेल करा होगा उसने अभी तक होल्ड नहीं रखा हुआ होगा, जो यहाँ पर बाइंग कर लेता है वो यहाँ तक होल्ड नहीं रखता कभी। तो ऐसी चीज़ें क्यों हैं? तो इस चीज़ को आपको थोड़ा ट्रेडिंग पैटर्न में एक चेंज लाना पड़ेगा। खैर, इस चीज़ को हम कभी और डिस्कस कर लेंगे। लेवल्स पे हम आते हैं। एक जो ट्रेंड इसका हमने डाउनसाइड में देखा, उसने कई लेवल ब्रेक कर दिए हैं। एक इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था यहाँ पर, ये इसने ब्रेक करा, एक अच्छी खासी डाउनसाइड दिखा दी मार्केट ने, 161 पे अभी है। एक इसका नीचे बहुत मेजर सपोर्ट लेवल है, वो है 152, एग्जैक्ट यही लेवल है, ठीक है, इसके ऊपर मार्केट बना रहता है।
तो उसमें चांसेस ये है कि इसी के ऊपर ऊपर से एक टर्न ले सकता है। और अगर मैं ऊपर की बात करूं तो एक मैं ऊपर की बात करता हूं तो 165 अगर ये ब्रेक कर देता है नेचुरल गैस में, तो एक हम एक स्ट्रेंथ मिलती हुई देख सकते हैं उसमें। एक चांसेस ज़रूर होंगे कि जो इसने कल अपना लो बनाया ये ब्रेक करना इसके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेवल है 165, ठीक है। इस लाइन को आप अभी के हिसाब से मार्केट में ये चांसेस हैं कि एक छोटी सी एक गैप अप ओपनिंग लेके शुरुआत कर सकता है। पर ये जो मैंने आपको 165 का जो मैं लेवल बता रहा हूँ आपको, इसके चेंज होने के चांसेस हैं जैसे जैसे मार्केट अपने आप को अगर ये नीचे के तरफ ही सस्टेन करके रखता है तो ये हो सकता है ये और लोअर लेवल पे आ जाए, यहाँ कहीं आ जाए। पर फिलहाल आप 165 के ऊपर अगर गैप अप ओपनिंग होती है और मार्केट इस तरीके का एक टर्न लेता है तो आप 165.10 पे आप इसमें बाइंग में एंटर कर सकते हैं। स्टॉप लॉस फिलहाल आपका यही होगा उस टाइम बिल्कुल जो कल इसने लो लगाया था। और दूसरी चीज़ मैं आपसे आपको बताना चाहता हूँ, दूसरा लेवल जो मेजर रहेगा ये सेशन था नीचे ऊपर। कल फिर हमने एक फर्दर एक डाउन साइड देखी तो इसमें एक इस तरीके का एक डबल टॉप बोलते हैं इसे, ये डबल टॉप का एक ट्रेंड बनना तो शुरू हुआ है जो एक कभी कभी एक रिवर्सल के साइन भी देता है। पर हम यहाँ पर लेवल है एक जो मैं आपके आपको बताना चाहूँगा 169.10। इसे अगर ये ब्रेक कर देता है मार्केट तो इसमें आप एक फ्रेश एक रन आता हुआ देख सकते हैं नेचुरल गैस में। 169.10 के ऊपर नेचुरल गैस सस्टेन करेगी, आप इसमें दोबारा से एंटर कर सकते हैं फर्दर एक नेक्स्ट बुल रन के लिए। मतलब बुल रन रहेगा या ट्रेंड काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा वो जिस तरीके का रहेगा, पर जितना भी ये ट्रेंड एक एक डाउन साइड में हमने देखा है ये खत्म हो चुका होगा और मार्केट इसके बाद 169.10 के बाद एक ऊपर की साइड चलना शुरू हो जाएगा। तो उस पर हमें हमारी एक नज़र रहेगी। थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं 1 घंटे की तरफ। देखिए यहाँ पर ये डबल टॉप की मैं ये बात कर रहा हूँ, ये बिल्कुल एग्जैक्ट लगा है और एक और पैटर्न समझ सकते हैं पर उसका इतना ज़्यादा नहीं लग रहा कि हेड एंड शोल्डर ये इस तरीके का है, इस तरीके का। पर इसमें डबल टॉप का जो फॉर्मेशन है वो काफ़ी स्ट्रांगली रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो मार्केट में यहाँ पर मैंने आपको ये लेवल बताया 169.10 के ऊपर अगर मार्केट ट्रेड करना शुरू करता है, सस्टेन करता है, तो इसमें एक काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी हम आते हुए देख सकते हैं। देखिए जो मैंने आपको लेवल बताया पहला 152, ये अगर ये चांसेस ये हैं कि नेचुरल गैस का ट्रेंड जो है वो इसी के ऊपर सस्टेन करके रहेगा और अगर ये ब्रेक होता है और मार्केट इसके नीचे सस्टेन करता है तो इसमें फर्दर हम और सेलिंग आती हुई देख सकते हैं। अदरवाइज मार्केट यहाँ कहीं से एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। दूसरा मैंने आपको बताया यहाँ पर 165, तीसरा मैंने आपको बताया 169.10, ठीक है। ये तीन लेवल मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं जिनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है नेचुरल गैस में। आप किस तरीके का ट्रेड लेंगे, किस पोजीशन में आपको बैठना है, उन सब चीज़ों पे आप ध्यान रखिए। देखिए मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी अगर मैं जिस तरीके से ट्रेड को फॉलो करता हूँ 169.10 जब तक ब्रेक नहीं होगा मैं इसमें फ्रेश एक अपनी एंट्री नहीं लूँगा, क्योंकि मैं इंट्राडे के साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड को भी मैं सपोर्ट करता हूँ। स्ट्रॉन्ग ट्रेंड जब तक मेरे साथ नहीं होगा, 165 ये ब्रेक कर देगा, मान लो इसने इस तरीके से ऊपर में ब्रेक करा, नेक्स्ट इसका 169.10 पे एक रेजिस्टेंस हम देख रहे हैं, मतलब वो रेजिस्टेंस इसके थोड़ा सा नीचे ही आ सकता है। तो ये 2-3 पॉइंट की हमें रेंज मिल रही है, रेंज हमें ज़्यादा नहीं मिल रही, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा रहेगा। पर हम ट्रेंड के साथ रहेंगे ये हमारे लिए एक फेवरेबल कंडीशन रहेगी। तो 169.10 पे मेरी काफ़ी एक नज़र रहेगी आने वाले कुछ दिनों में। हो सकता है कि आज ब्रेक करना तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, अगर ये आज थोड़ा सा ऊपर क्लोज होके कल ये ब्रेक करता है तो काफ़ी एक अच्छा हम एक इसमें बुल रन देख सकते हैं ऊपर की साइड में। और दूसरा एक बहुत मेजर मैं बेयरिश ट्रेंड अगर मैं देखूं तो जहां से इसमें एग्जैक्ट बाइंग आनी शुरू हुई थी 141 या 40 के लेवल के आसपास, इसी के नीचे अगर मार्केट आता है तो नेचुरल गैस में हम एक देख सकते हैं कि बुल रन खत्म हो चुका है। पर अभी इसने एक ज़रा सा एक स्टार्ट लिया है तो मार्केट हो सकता है कि यहाँ पर कंसोलिडेट होके काफ़ी टाइम लगा दे
और एक दो हफ्ते लगा दे और उसके बाद तेज़ी दिखानी शुरू करे, तो उस पर भी एक मेरी नज़र रहेगी कि किस तरीके से नेचुरल गैस अपने आप को लेके बढ़ चलती है आगे को। तो ये था मेरा नेचुरल गैस पे आज का वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ। धन्यवाद।